हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। एज यू नो दैट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स आर रनिंग, ओके। देन वी आल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ओके। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एज वी नो दैट प्लास्टिक इज ए नोन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। प्लास्टिक क्या है? एक नोन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है, ओके। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट what is non biodegradable substances and biodegradable substances, okay. Then first of all we talk about biodegradable substances, okay. Biodegradable substances, okay. प्लास्टिक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक के हार्म से वो पढ़ चुके हैं अपन, और अपन सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओके। नाउ वी ऑल्सो नो दैट सम सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, नाइलॉन, एक्रीलिक एट्सेट्रा, ओके। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं? सब्सटेंसेज दोज ऐसे सब्सटेंस, ओके, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, टाइप के सब्सटेंसेज जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनको नेचुरली जो नेचुरल प्रोसेस होती है उससे उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, ओके। जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इट मीन्स ये स्मॉल पार्ट्स में ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, इस टाइप के सब्सटेंसेज जो क्या होते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डन, ओके। नाउ अपने जो भी डिकेट मेथड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लाइक जितने भी अपने जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे किचन वेस्ट होता है अपना, ठीक है, किचन वेस्ट होता है मतलब जो भी जो अपनी सोइल है उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, उसके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं, इस टाइप के जो भी अपने सब्सटेंसेज हैं उन सारे सब्सटेंसेज को अपन क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के सब्सटेंसेज जो क्या करते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, और ये क्या होते हैं, मैनी ईयर्स तक क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, दे डू नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। इस टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्मॉल पार्ट्स में इनको नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम तक अपने इन्वायरमेंट में रहता है, डन। तो इस टाइप का जो सब्सटेंसेज है वो अपना क्या हो गया, प्लास्टिक्स है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले भी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, डन, ओके। नाउ अभी ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है लाइक प्लास्टिक, तो इनका अपने इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक होती है उसका अपने इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है, प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट, जो प्लास्टिक्स है वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करती है,
plastics and environment. ओके, प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट. तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए? आर नॉट फ्रेंडली. ये क्या होते हैं? नॉट फ्रेंडली. इट मीन्स ये क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. चाहे अपन इनको कहीं भी रख दें, ठीक है, कहीं भी आप इसको डिस्पोज कर दो, ये क्या करेंगे? इसको हार्म करेंगे, ठीक है. तो हमें एज ए सिटीज़न हमें कुछ स्टेप्स इनके लेने चाहिए, ठीक है. ऐसे स्टेप्स जो क्या करें, हमें इस प्लास्टिक से अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सके. देन वी शुड टेक सर्टेन स्टेप्स. ओके, डन. जिससे अपन क्या कर सके? प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट. अपन क्या करेंगे? प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट. डन. नाउ स्टेप्स की अगर अपन बात करें, अपन स्टेप्स इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं जिससे अपने जो इन्वायरमेंट है वो प्लास्टिक से अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकें? ओके, देन फर्स्ट तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसका जो यूज़ है वो कम से कम करोगे, ठीक है. और जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हो, तो उसकी मतलब उसको आपको किससे रिप्लेस करना है? जूट और कॉटन से बने हुए जो बैग होते हैं, जूट एंड कॉटन, जूट एंड कॉटन से बने हुए जो बैग्स होते हैं उनको आपको यूज़ करना है, ठीक है. अगर आप प्लास्टिक को कम यूज़ करोगे और उनकी जगह आप क्या यूज़ करोगे? जूट और कॉटन से बने हुए जो बैग्स हैं उनको यूज़ करोगे, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो गया? कम यूज़ हो गया. तो एक तो ये स्टेप आप ले सकते हो. ओके, डन. देन और अब अपन सभी जानते हैं कि ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इट मीन्स क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया. इट मीन्स जब आप इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जब आप इसको क्या कर रहे हो, जब आप इसको डिस्पोज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? इनको सेपरेटली डिस्पोज करना है. देन वी शुड डिस्पोज सेपरेटली, ठीक है. ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं उनके साथ तो इनको डिस्पोज करने का कोई मीन ही नहीं निकलता, तो अपने को क्या करना चाहिए? इनको सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए, जिससे क्या होगा? कम से कम जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं वो अच्छे से डिकम्पोज हो सके, ठीक है. ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट. देन नाउ और सबसे बेटर अपना क्या है? अपन क्या कर सकते हैं? रिसाइकल, ठीक है. अपन क्या कर सकते हैं? रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, अपन क्या करेंगे? जो अपना प्लास्टिक्स है इसको आप रिसाइकल, इट मीन्स आप इसको बार बार यूज़ करोगे. जैसे मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है, तो अगर आपने वहाँ से रिमूव कर लिया तो आपकी प्लास्टिक उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो. बार बार यूज़ करोगे तो क्या होगा? आप वन जो पॉलीथीन बैग है उसको आप 2-3 times करोगे तो 2-3 जो पॉलीथीन बैग है वो कम हो गई, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो? जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल कर सकते हो, बार बार यूज़ उसका कर सकते हो. ओके, एंड एज ए सिटीजन रिमेंबर 4R principle, ठीक है. और इसके लिए आप अपने को अगर प्लास्टिक से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, तो इसके जो 4R principle हैं उनको अपने को हमेशा माइंड में रखना है. और ये जो 4R principle हैं ये क्या हो गए? रिड्यूस, रीयूज, ओके, एंड थर्ड वन इज रिसाइकल एंड रिकवर. ओके, इट मीन्स आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट रिड्यूस, इसका जो यूज है वो कम से कम यूज करोगे. फर्स्ट तो ये हो गया, तो इससे आप क्या कर सकते हो? अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो. रीयूज हो गया, इसका आप बार बार यूज़ करोगे. डन. एंड रिसाइकल, इट मीन्स आप इसको इससे
न्यू प्रोडक्ट आप इनसे बना सकते हो, ठीक है, नई नई शेप में लेके आप इसका यूज कर सकते हो एंड देन इट विल बी रिकवर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एंड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरमेंट. ओके, सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. देन इनफ फॉर टुडे, थैंक यू.